अभी आपकी स्क्रीन पे एक सादा सा तकसीम का अमल नजर आ रहा है जो कि हम लोगों ने प्राइमरी क्लासेस में अक्सर देखा होगा। इसमें 11 को 4 से तकसीम किया गया है और इस तकसीम के अमल के दौरान 3 का हिस्सा हमारे पास रिमाइंडर के तौर पे या बाकी या बकाया के तौर पे बचता है। अब क्योंकि 3 4 की निस्बत छोटी फिगर है तो इसे मुकम्मल तकसीम नहीं किया जा सकता, या तो जवाब आशारिया में आएगा या फिर आप ये कहेंगे कि 3 इसमें रिमाइंडर के तौर पे मौजूद है। अब इसी रिमाइंडर को एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमारा आज का टॉपिक है। इसके लिए हमारे पास मोड फंक्शन मौजूद है। यहाँ पे लफ्ज MOD बेसिकली मॉड्यूलस को जाहिर कर रहा है, जबकि अगर MODE यहाँ पे लिखा होता तो वो स्टैट का मोड फंक्शन यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता। तो चलते हैं हमारे मॉड्यूलस फंक्शन की तरफ। अभी हमारी स्क्रीन पे पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन नंबर्स की लिस्ट नजर आ रही है। अब यहाँ पे एक रूल ये है कि जितने भी नंबर जुफ्त है या ये कह सकते हैं कि इवन है जो कि 2 पे मुकम्मल तकसीम हो जाते हैं उनके साथ लफ्ज डाउन लिखा जाना चाहिए, जबकि जो नंबर पाक हैं या ओड हैं उनके साथ अप का लफ्ज लिखा जाना चाहिए। अब इस चीज को हम मोड फंक्शन के जरिए भी कर सकते हैं बजाय इसके कि हम बार बार डाउन और अप का लफ्ज टाइप करें। यहाँ पे सबसे पहले तो मोड फंक्शन को समझते हैं, इज इक्वल टू मोड और सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंस को हम डिवाइड किससे करना चाहते हैं, वो है 2, यानी 14 फिगर को या 14 को हम 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह 13 को अगर 2 पे तकसीम करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 12 तक तो 2 पे तकसीम हो जाएगा, 13 का फिगर रिमाइंडर के तौर पे 1 आपको लाजमी देगा। हम इसे इफ की कंडीशन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो हिंसे 2 पे तकसीम हो जाए उनके साथ लफ्ज डाउन जाहिर करे, जबकि जिन फिगर्स को तकसीम करते हुए रिमाइंडर 1 बचता है उनके साथ आपका लफ्ज एक्सेल खुद बखुद लिख दे। अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि जो जुफ्त आदाद हैं या जो दो पे मुकम्मल तकसीम हो सकते हैं उनके साथ डाउन का लफ्ज आ गया है, जबकि जो 2 पे मुकम्मल तकसीम नहीं होते और रिमाइंडर 1 बचता है उनके साथ अप का लफ्ज आ चुका है। ये था हमारा आज का लेक्चर मोड फंक्शन पे। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से घंटी के बटन पे प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको इन टाइम मौसूल होती रहें।